हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज मैं इस वीडियो में बनाने वाला हूँ एक छोटा सा हथियार जो दिखने में बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जब मैंने इसे पहली बार बनाया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि ये इतनी तेज़ चलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ एक पेन, माचिस और कंपास की। तो सबसे पहले हम इस जो पेन है इसका जो ये निब है ये निकाल लेते हैं, और निकाल के अगर इसमें थोड़ी बहुत भी इंक रह जाए तो आप उसे भी निकाल लीजिएगा बाहर, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, जो हमारी माचिस की तीली का जो मसाला लगा होता है वो इसमें डालना है। तो अभी फटाफट से जो माचिस की तीली का मसाला है इसमें डाल लेते हैं। तो इसमें मसाला अच्छी तरह भरने के बाद हमें क्या करना है, कंपास की जो ये सुई है इसे अच्छी तरह से इसे प्रेस करना है और अच्छी तरह से इसे जो इसमें फिट कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ढीला ना रहे। तो अभी जो हमारा ये मिनी गन है, मिनी कंपास गन, ये बन चुका है। तो अभी मैं एक और मिनी गन बना लेता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ टूथपिक का। तो एक और निब में मैं यही जो तीली का मसाला ये डाल करके जो टूथपिक है उसके पीछे फिट कर दूँगा और फिर इसे हम ट्राई करेंगे। अभी हमारी जो ये टूथपिक गन है ये भी तैयार हो गई है। तो अभी हम दोनों को बारी बारी ट्राई करेंगे, देखेंगे कितनी कितनी पावर है। तो इसके लिए मैंने लिया था ये बॉक्स गत्ते का। इसमें जो पेन की निब है वो आर पार तो नहीं जा पाई लेकिन यहाँ पर उसने छेद कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा पावर थी इसके अंदर। तो अभी हम दूसरा जो कंपास वाली हमारी गन है वो ट्राई कर लेते हैं। तो देखा कितना पावरफुल है हमारा ये कंपास गन। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस गन को किसी के सामने मत चलाना, क्योंकि इससे किसी को भी चोट लग सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।